एक ऐसा आदमी जिसके अपनी वाइफ के साथ रिलेशन खराब होने की वजह से उसने सीरियल किलिंग स्टार्ट कर दी, और जिन भी लोगों को वो मारता था उनकी बॉडी के साथ वो ऐसा क्या करता था जिससे सुनने के बाद बाकी लोगों के साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो मैथिनी, जिसका जन्म 1955 में अमेरिका में हुआ था, ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से उसकी वाइफ उसके बच्चे को लेकर जो को छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से जो और भी कई तरह के नशों में पड़ गया था। 1995 में जो ने पहला मर्डर किया था, और जिस टाइम उसने ये मर्डर किया था उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील हुआ था। एंड जिस लड़की का उसने मर्डर किया था उसे दफनाने के 6 महीने बाद जो ने उसकी कब्र को वापस खोद कर उसका सर काट दिया और उसके सर को एक बॉक्स में डालकर नदी में बहा दिया था। बाद में वो सर एक डंपिंग ग्राउंड से मिला था। जो को ये मर्डर्स करने में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था कि उसने 2 लोगों को एक पुल के नीचे कुल्हाड़ी से काट दिया था। उसने 2 लड़कियों को अपने घर बुलाकर उनका मर्डर कर दिया। जो ने एक बार एक लड़की को किडनैप किया था ताकि वो उसका भी मर्डर कर सके, पर जिस जगह उस लड़की को जो ने रखा था वो लड़की वहां से भाग गई और उसने पुलिस में जो की कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद जो को अरेस्ट कर लिया गया था। जो पर 2 मर्डर और किडनैपिंग का केस चला, पर जो ने खुद पुलिस को ये बताया कि उसने 2 नहीं 10 मर्डर किए हैं, जिनके प्रूफ खुद जो ने ही पुलिस को दिए थे। जो ने बताया कि उसने जितने भी मर्डर किए हैं उन लोगों से उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, उसे ये सारे मर्डर करने में मजा आता था और मर्डर करने के बाद उसे खुद पावरफुल फील होता था, इसलिए वो लोगों के मर्डर कर देता था। एंड जब पुलिस ने उससे ये पूछा कि जिन भी लोगों को वो मारता था उनकी बॉडीज का वो क्या करता था, तो जो की बातें सुनकर वहां खड़े सारे पुलिस ऑफिसर के दिमाग सुन हो गए। जो ने बताया कि वो जिन भी लोगों का मर्डर करता था उनकी बॉडी को पिगी के मीट के साथ मिलाकर उसका बर्गर बनाकर लोगों को सेल कर देता था, जिसके बाद जो ने खुद कोर्ट में खुद के लिए फांसी की सजा मांगी, पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हुई और 2017 में उसके सेल में ही उसकी डेथ हो गई थी।